अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, विजयदशमी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य, ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश। दुर्गा विसर्जन और दशहरा पर रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सागर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सख्त है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह, एसपी अतुल सिंह और निगम आयुक्त आरपी अहरवार अपने अमले के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने दुर्गा विसर्जन स्थल लहदरा नाका पहुंचे, जहां कलेक्टर दीपक सिंह ने निरीक्षण करते हुए साफ सफाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देवी विसर्जन के संबंध में सागर में लहदरा नाका में व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर पुलिस विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन और होमगार्ड्स के द्वारा विसर्जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक प्रबंध है वो यहाँ पर किए गए हैं, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी देवी प्रतिमाएँ आ रही हैं उनका विधि विधान से और सुरक्षा के सारे मापदंड पालन करते हुए विसर्जन। ये मोस्टली तो रात के 10-11 बजे तक विसर्जन पूरा हो जाएगा, और अगर कोई लेट आते हैं तो भी उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। सभी जो दुर्गा प्रतिमा के जो स्थापना हुए हैं उन सभी से बात हो गई है, और जो उनका निर्धारित मार्ग है और जो विसर्जन का निर्धारित समय उनके साथ चर्चा करके तय किया गया है उसी के अनुसार ये कार्यक्रम सम्पन्न। वहीं एसपी अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल लगाया गया है, जिसमें कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। दशहरे को लेकर एक तो जितने भी विसर्जन स्थल हैं इसमें पुलिस के और होमगार्ड के लोग लगे हुए हैं, नगर निगम की या ग्राम पंचायत की टीम के साथ में। इसके अलावा शहर के जो प्रमुख स्थान हैं जो कि यातायात और कानून व्यवस्था के हिसाब से संवेदनशील है, वहाँ पर फिक्स पिकेट्स लगे हैं, और जो भी प्रमुख यहाँ की आयोजन समितियाँ हैं उनकी जो प्रतिमाएँ हैं उनके विसर्जन हेतु भी प्रत्यक्ष से जो है आदेश किया गया। देखिए, चल समारोह तो इस बार किसी को अनुमति नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रतिमाएँ 10 लोगों के साथ में विसर्जन की अनुमति दी गई। अब कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे परंपरा के हिसाब से या मूर्ति के आकार के हिसाब से जो उसको उठाने में उसके संस्कारों में अगर कुछ अतिरिक्त लोग लगते हैं तो वो अलग बात है, अन्यथा जो है 10 की ही अनुमति। इसके बाद अधिकारी दशहरा पर रावण दहन कार्यक्रम का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पीटीसी ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, विजयदशमी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य, ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश।